लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जेल तोड़ के भागी है। गेट मी इंस्पेक्टर कुमार। चीफ, कुमार साहब तो आज ट्रांसफर होकर दिल्ली जा रहे हैं, अब तो गाड़ी का वक्त भी हो गया। ओह नो, कुमार ने गारगा को जेल में डाला और गारगा ने कसम खाई थी कि जेल से निकलकर वो कुमार से बदला लेगा। जैसे भी हो, ट्रेन छूटने से पहले कुमार को यह मालूम होना चाहिए गारगा जेल से भाग गया। राइट चीफ। सड़क पर इतनी भीड़ थी, मैं समझा गाड़ी निकल जाएगी। ये लो, हो गया। ट्रांसफर होकर दिल्ली जा रहा है, लेकिन ट्रेल के दिल्ली पहुंचने से पहले ही हम कुमार को उसके खानदान के साथ ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। और कोई दिन नहीं मिला था जाने के लिए, आज गणपति का त्योहार है। क्या करूं सीता, गवर्नमेंट सर्विस में हूं, ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया तो जाना पड़ा। मैं बच्चों को दर्शन भी नहीं करा सकी। सॉरी सीता, ड्यूटी इज ड्यूटी, और एक सीबीआई ऑफिसर के लिए ड्यूटी सबसे बढ़कर है। खिड़की से बाहर देख रही है, इसका मतलब है रूट गई हो। अच्छा माफ कर दो। देखो, अगले साल बड़ी धूमधाम से गणपति त्योहार मनाएंगे। तुम होगी, मैं होऊंगा और होंगे मेरे मोहन और सोहन। नहीं मेरी। नहीं मेरे। मेरी। मेरे। नहीं मेरी। अच्छा हमारे। हाँ हमारे। अरे बच्चे देख रहे होंगे। हाँ तो देखें तो क्या समझेंगे, समझेंगे झगड़ा। थोड़ी देर पहले तुमने रूट कर मुंह फेर लिया था ना? नहीं तो? हाँ, रूट कर मुंह फेर लिया था। अच्छा बाबा, रूट कर फेरा था। अब जरा प्यार से मुंह फेर लो। क्यों? जरा फेरो तो सही। क्या बात? बात ये है। आजा, आजा मेरी जान। आजा, आजा। अब मजा आएगा।
अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर चली गई। और ये किसका बच्चा उठा लाया तू? ये सांप का बच्चा है बॉस, सांप का बच्चा। सांप का बच्चा? हाँ, सीबीआई ऑफिसर कुमार का बच्चा है। लो इसे अपने हाथों से मार डाल। ठीक कहा तूने, मैं इस कमीने को। अगर कुदरत ने इसे बचा लिया तो मैं इसे नहीं मारूंगा। इसे जिंदा रहने दे, इसका बाप अपने काम का माहिर था, मैं इसे अपने काम का माहिर बनाऊंगा। मदर मेरी, मेरी बीवी सुहाग रात को इस दुनिया से चल बसी। उसकी याद में मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की, फिर भी आज तुमने मेरे बाप बनने की तमन्ना को पूरा कर दिया। मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो। कुमार साहब होश में आ गए सर। मेरी पत्नी कहाँ है चीफ? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मोहन और सोहन? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गार्गा ने तुमसे बदला लेने के लिए ट्रेन का एक्सीडेंट करवाया और तुम्हारी बीवी बच्चों को मार डाला। मार डाला? चीफ ऐसा ना कहिए, चीफ को इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसा ना कहिए। धीरे रखो कुमार, तुम सीबीआई के ऑफिसर हो। सीबीआई ऑफिसर का भी दिल होता है, उसकी भी दुनिया होती है। गर्गा ने मेरी दुनिया में आग लगा दी, मैं भी उसकी दुनिया में आग बनकर बरस पड़ूंगा, बदला लेने के लिए, गर्गा जैसे दरिंदों को पीस कर मार डालने के लिए। जाने दीजिए कुमार। बेटा जो कुछ मैं कह रहा हूँ ना, उसे बहुत गौर से सुन। इधर मेरे पास। मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे बाल गोपाल, देख देख देख, वो बंगला है ना, उस बंगले में एक तिजोरी है। तिजोरी और तू एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, ये सब मैंने तुझे सिखा पढ़ा कर प्रोफेसर बना दिया है। बेटा अब तेरी बारी है हुनर दिखाने की और माल कमाने। खेल खेल में आपने मुझे तिजोरी तोड़ना सिखा दिया, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और अब मुझे ये खेल पसंद नहीं। ये खेल नहीं है मेरे लाल, ये मेल है, इंसान और दौलत का मेल। नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। चोरी नहीं करूंगा, कमीने, बोल चोरी करेगा कि नहीं करेगा? मैं चोरी करूंगा, करेगा कि नहीं करेगा? मैं चोरी करूंगा। ये हुआ ना बहादुर बेटा, तेरा बाप भी बहुत बहादुर था, चल तू भी बहादुरी दिखा, चल चल चल। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मालूम नहीं? तुम्हारे माता पिता? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ। माँ, हे भगवान, वो आदमी मुझसे चोरी करवाना चाहता है, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। बचा लो माँ, मुझे बचा लो, मुझ पर दया करो माँ, मुझ पर दया करो। बेटा, कौन कहता है दुनिया में तेरा कोई नहीं है? मैं जो हूं तेरी रक्षा करने के लिए, अब तुझसे कोई चोरी नहीं करवाएगा। तू यहां है कमीने? माँ, ये वही आदमी है जो मुझसे चोरी करवाना चाहता है। हाँ, चोरी तो मैं तुझे सिखाऊंगा। तू कहां
जैसे रावण का नाश करने वाला हनुमान, हनुमान सिंह इस घर का मालिक। अबे ओ पंडित के बच्चे, वो लड़का हमें चाहिए। दे दे। माँ। मैंने सीता को बहन मानकर इस घर में रखा है और आज बहुत दिनों के बाद इस बच्चे ने मेरी बहन को माँ कहकर पुकारा है, उसे मैं तेरे हवाले कर दूं। बकवास बंद कर और सीधी तरह से बच्चा दे दे, वरना लगता है ना तो तुमने रामायण पढ़ी है और ना ही कभी रामलीला देखी है। मैं अपनी रामलीला छोड़ और हमारी सेना की लीला देख, छीन लो ये बच्चा। तुम्हारी जैसी गीदड़ सेना मैंने बहुत देखी है, संभाल अपनी सेना को। गुड मॉर्निंग। कांडला पोर्ट से ये जरूर रिपोर्ट आई है। यस। हेलो, हेलो चीफ, मैं एजेंट 303 बोल रही हूँ। ओ शर्मा, क्या खबर है? मैंने उस गिरोह का पता लगा लिया है जो मूर्तियों की चोरी करता है। गुड गुड। उस गिरोह के सरदार का नाम है किंग। किंग? जी हाँ, और सबसे जरूरी खबर ये है कि कल खंडाला घाट से एक जीप गुजरेगी। खंडाला घाट? और जीप का नंबर है MRJ 2299। MRJ 2299, वेरी गुड। पुट मी ऑन टू इंस्पेक्टर सूरज।
अरे मूर्ति इसमें, अरे मूर्ति ले जाओ, मुझे छोड़ दो मेरे बाप। तुझे छोड़ दूं? तेरे बाप किंग को पकड़ने के लिए हमें तेरी बहुत जरूरत है। चल ये क्या कर रहे हो भाई? अरे मूर्ति ले दो, मुझे छोड़ दो मेरे बाप, मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे माचिस मेरे हाथ में और बत्तियां जल गई। वाह मदर मेरी, तेरा चमत्कार। इट्स मी डैड, योर सन माइकल। अरे माइकल कमाल है, पिस्तौल से मोमबत्तियां बुझती तो बहुत देखी, मुझे जलती आज ही देखी। ये मामूली पिस्तौल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सी माय एम। अरे जस्ट मिनट, नाउ शो योर एम। अरे कमाल है। हाँ देखा डैड, आज मैंने मदर मेरी को रोशनी से भर दिया। जानते हो क्यों? क्यों? आज मैं सीबीआई ऑफिसर बन गया। सीबीआई ऑफिसर? यस डैड। अरे तू इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया? अरे कल तक तू इस प्रैम में बड़ा वाह किया करता था, और तेरी भीगी चड्डी तो अभी तक सूखी नहीं। कम ऑन डैड, और तू सीबीआई अफसर बनकर बाप पर रो जा रहा है। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। क्या है बेटा? अरे माँ आज मैं बहुत खुश हूँ, माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। बात क्या है? सीबीआई ऑफिसर बनने के बाद आज मुझे पहली बार कामयाबी हासिल हुई, मैंने बहुत बड़े मुजरिम को पकड़ा है। शाबाश मेरा बेटा, चलो चलकर भगवान को प्रणाम करो। मेरा भगवान तो तुम ही हो, आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी दया से हूँ। अगर तुमने बचपन में मुझे सहारा न दिया होता तो आज मैं चोर होता। मुझे आशीर्वाद दो माँ। जय बजरंगबली। अरे मामा मैंने सब कुछ सुन लिया है बेटा, ये सब कुछ बजरंगबली का चमत्कार है। मामा तुम बजरंगबली की सेवा करो, मैं जरा नहा धो के तैयार होता हूँ, मुझे बाहर जाना है। बहन आज मैं कितना खुश हूँ, इतने दिनों के बाद तुम्हारी तपस्या सफल हुई। भैया जानते हो मैंने सूरज को सीबीआई ऑफिसर क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि आज अगर मेरे पति जिंदा होते तो मेरे अपने बेटों को भी सीबीआई ऑफिसर बनाते। बहन आज इतने दिनों के बाद पहली बार तुमने अपने पति का जिक्र किया है। जो इस दुनिया में नहीं रहे उनका जिक्र ही क्या करना, मगर उस याद का क्या करूं जो आंखों में आंसू बनकर आ जाती है। सूरज, किंग के जिस आदमी को तुमने गिरफ्तार किया था उसने कुछ बिना बताए अपनी जान दे दी। समझ में नहीं आता ये किंग चीज क्या है, जब भी उसका कोई आदमी पकड़ा जाता है या तो भाग निकलता है या अपनी जान दे देता है, ये कब तक चलता रहेगा? इसी तरह अगर हमारे देश की बेशकीमत चीजें बाहरी मुल्कों के हाथ बिकती रहीं, तो ये देश खोखला हो जाएगा। मैं तुम दोनों के जज्बात की कदर करता हूँ, सीबीआई को तुम जैसे ऑफिसर्स की जरूरत है। फिक्र न करो ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, हमारे स्टार एजेंट मिस सलमा किंग के गिरोह में दाखिल हो चुकी है और बहुत ही जल्द हमें उसके दरवाजे तक पहुंचा देगी। सिर्फ पुलिस को हमारे गिरोह की सारी बातों की खबर दे दी, और गद्दार की सजा क्या है ये तो तुम जानती हो।
लेकिन सुना है इस काम में तुम्हारा कोई महबूब भी शामिल है ना? बता दो कौन है वो, बता दो कौन है वो, जवाब नहीं मिला लेकिन जवाब मिलेगा। जवाब तुझे कभी माफ नहीं करेगा भगवान। मगर सवाल ये उठता है कि इस जवाब का जवाब हम कैसे दें? डाल दो शेर के बीच में, डाल दो भगवान, तुझे माफ नहीं करेगा। चलो मुझे, मुझे चलो। क्या चुप क्यों हो गए? अब की बार गालियों का क्या हुआ? बजाओ तालियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रिलैक्स किंग। मेरी समझ में नहीं आया कि तुमने खुद मुझे बुलाया, और ये तुम्हारा चमचा लोग बाहर मेरा इंट्रोडक्शन मांगता है? हैं? तुम तो जानता है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन जबान से नहीं काम से देता हूँ। आई नो आई नो आई नो, दैट्स वंडरफुल। भैया तुम्हारी पिस्तौल बहुत अच्छी चलती है, ऑटोमेटिक है क्या? तुम चलाने वाले का तारीफ करना भूल गया। नहीं मेरा मतलब है अगर माल अच्छा हो तो चाल अपने आप अच्छी हो जाती है। नो यू रॉन्ग किंग, पैसा हो तो माल बड़ी आसानी से खरीदा जा सकता है, लेकिन चाल देखनी पड़ती है। राइट आउट। प्रेम इनसे मिलो, ये है मिस्टर सिसोदिया। हेलो हाय, क्या तारीफ है इनकी? ये बॉम्बे म्यूजियम की ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति के जो खरीदार है ना, उनके एजेंट हैं। 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं मूर्ति का। बड़ा हौसला रखते हैं तुम्हारे खरीदार। बहुत बड़ा। प्रेम ये सौदा 31 तारीख की रात के ठीक 12 बजे हो जाना चाहिए। माल उड़ाना तुम्हारा काम है, और माल से माल का टक्कर खिलाना मेरा। किंग माल से माल तो तब टकराएगा जब माल उड़ कर आएगा। कहो तुम इस उड़ान का क्या देते हो? 50-50 वादा ना? वादा नहीं प्रेम, हमारे धंधे में वादा नहीं, यकीन की जरूरत होती है। यकीन तो हम तुम्हारी नजर पे करते हैं किंग, बस समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। Yes, King. जिस आदमी से मैं अभी बात कर रहा था उसे तुमने गौर से देखा? बहुत अच्छी तरह किंग। साई की तरह से उसका पीछा करो। साहिबान, मैं पिछले 20 साल से इस म्यूजियम का इंचार्ज हूँ। इन मूर्तियों के साथ रहते रहते मुझे इनसे ऐसा ही प्यार हो गया है जैसे किसी इंसान को अपनी फैमिली से हो जाता है। ये न सोते हैं न जागते हैं, फिर भी दुनिया का हर पाप और हर पुण्य देखते रहते हैं। हाँ भाई साहब, इन्हें छुएगा नहीं वरना ये बोल उठेंगे, हजारों साल की दास्तान, इस देश का इतिहास, और ऐसे इतिहास की रचना करती है हीरो से बनी हुई ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति, कीमत 50 करोड़। इतनी कीमती चीज की हिफाजत कैसे करते हैं आप लोग? भाई साहब, पहले जमाने में तो लोग भगवान के सामने चोरी करते हुए भी डरते थे,
मगर आज तो भगवान को भी चुराते हुए नहीं डरते, इसलिए इंसान की हिफाजत करने वाले भगवान की हिफाजत इंसान के जिम्मे हो गई है। मगर आपकी दुआ से पिछले 20 सालों से बड़े बड़े महाचोरों ने पूरी ट्राई कर ली मगर कामयाब नहीं हुए। त्रिमूर्ति जानते हो, उसमें जड़े हुए हीरों की चमक गुनाह को दावत देती है। और फ्रेंड्स, हमने ये दावत कबूल कर ली है। यस, क्योंकि ये दावत शबाब और शराब की नहीं, ये दावत हीरों की दावत है। 50 करोड़ की दावत। लेकिन इसका क्या होगा? फ्रेंड्स डर गए, ये तो नकली है लेकिन असली। हर रोज शाम को 7 बजे यहां से निकलता है। जब म्यूजियम बंद हो जाता है और क्रिएटर डिकोस्टा अपनी ड्यूटी खत्म करके चला जाता है तो ये सांप वहां जा पहुंचता है अपनी ड्यूटी करने, उस म्यूजियम में। जय हो नाग देवता। हम अपनी ड्यूटी पर लेट हो सकते हैं मगर तुम कभी लेट नहीं हो सकते। जिस दिन ये लेट हो गए तो समझ लो तेरी मूर्ति पर किसी की बदनजर पड़ गई। और ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति पर सारी रात अपना फन फैलाकर बैठ जाता है मूर्ति की रक्षा करने के लिए। सांप को मूर्ति तक पहुंचने से रोकना होगा। मगर ये सब होगा कैसे? और रिलैक्स फ्रेंड्स, डोंट वरी। तुम सब हुनरमंद हो, अपने अपने हुनर का इस्तेमाल करो। और इस सांप को उस मूर्ति तक पहुंचने से कैसे रोकना होगा ये हुनर तुम्हें मैं सिखाऊंगा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी खराब हो गई थी, ठीक कर रहा था। ठीक है, जरा जल्दी करो। Thank you.
आउटरेजस। ये हमारे लिए सबसे बड़ी तौहीन है। आज सीबीआई के दामन पर बदनुमा धब्बा लग गया। देश की सबसे कीमती मूर्ति वो चुरा कर ले गए और हम कुछ भी नहीं कर सके। चीफ, वो देश के दुश्मन तो हैं ही, मेरे जाति दुश्मन भी हैं। जाति दुश्मन? क्या मतलब? 20 साल से मेरे डैडी ने उस मूर्ति की रखवाली की है। आज जो उनकी बेइज्जती हुई है मैं बयान नहीं कर सकता। उस मूर्ति के साथ साथ उनके होंठों की मुस्कुराहट भी छिन गई है। ये केस मुझे दे दीजिए चीफ, मुझे दे दीजिए। मैं वो मूर्ति लेकर आऊंगा और मूर्ति के चोरों को सजा दिलवाऊंगा। मैं हर काम चुटकी में ही करता हूं। लेकिन तुमने तो कहा था कि वहां किसी की जान नहीं जाएगी। मूर्ति की बात हो रही है। उस गार्ड के खून के बाद पुलिस हमको चारों तरफ तलाश कर रही होगी। 50 करोड़ की मूर्ति के लिए उस गार्ड का तो क्या, मैं तुम सबका खून कर सकता हूं। अरे भाई जरा सोचो तो सही, मैं तुम लोगों को मारकर खुद कहां जाऊंगा? हमें हमारा हिस्सा दे दो। मूर्ति को काट कर तो नहीं बांटा जा सकता। पहले मूर्ति का सौदा होगा, तब कहीं जाकर 50 करोड़ रुपए हाथ लगेंगे और फिर उसके बाद हिस्से बटेंगे। हम इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई है? तुम जानबूझकर टाइम पास करना चाहते हो ताकि सारा माल तुम अकेले खा जाओ और पुलिस हमें पकड़ ले। और ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस तुम तक पहुंच जाए और बयान देने के लिए तुम में से कोई जिंदा ना रहे। बचो! यादम्बो कहां से आ रही है? धोखेबाज होता तो कहता कौन सी मूर्ति, कैसी मूर्ति? बट नो 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 किंग, तुम्हें तो कहा था कि हमारे धंधे में वादे की नहीं यकीन की जरूरत होती है। बस तुम भी मुझ पे यकीन कर लो। जरा संभल के किंग, कहीं गोली चल गई तो मेरे साथ साथ मूर्ति भी जाती रहेगी। अंदर रखो, जेब में रखो। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि मूर्ति जब तक तुम्हारे पास रहेगी सही और सलामत रहेगी। और फिर किस वक्त किसे गोली ना मारना और किसे मारना मैं अच्छी तरह जानता हूं। जमाना मुझे किंग कहकर यूं ही नहीं बुलाता बरखुरदार। न न न, आजकल का जमाना किंग लोग की हुकूमत का नहीं, आजकल का जमाना प्रेम का है। प्रेम का है किंग। 31 तारीख की रात को ठीक 12 बजे होटल ब्लू जैक, तब तक मैं वहीं रहूंगा। अगर पुलिस ने तुम्हें पहचान लिया तो बी स्टूपिड किंग। प्रेम
अलग अलग लोगों से हमेशा अलग अलग सूरत में मिलता है। इतने दिनों तक मेरे पार्टनर होने के बावजूद भी जब तुम मेरी असली सूरत को नहीं पहचान सके तो पुलिस क्या है? कौन हो तुम? बंदूक। हाँ बेटे ये बंदूक है। जी नहीं बंदूक हूँ। हूँ? जी हाँ बंदूक हूँ। बंदूक है। है हूँ। ये क्या है? बंदूक वाला चू। बंदूक बंदूक हटाइए। मेरा हार्ट बहुत कमजोर है, कभी कभी फेल हो जाता है। दो चार बार फेल हो चुका भी है। यू इडियट यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, वो महागुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहा था। मगर मालूम हुआ आप तो गुरुओं के गुरु हैं, महागुरु परम गुरु सब गुरु। मतलब? मतलब ये कि गुरु अब हो जा शुरू। हेलो। हाँ हाँ चीफ साहब घर पे गए हुए हैं, मैं लाइन वहां देती हूँ, प्लीज होल्ड इट। हेलो कौन? SL 394। हाँ बोलो। सच? कंग्रेचुलेशंस चीफ। वो आदमी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छी बात है। किसका टेलीफोन था सर? सीबीआई ऑफिसर माइकल का। हम गलत निकले और उसका शक सही निकला। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है कल वो, हमें मिलना है स्टेशन पर। कौन से स्टेशन सर? पुलिस स्टेशन नहीं भाई, रेलवे स्टेशन। कभी तो बिहेव करोगे, तुम सीबीआई ऑफिसर हो। सॉरी सर सॉरी। क्या देख रहे हो सर? वाह 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 क्या बात है। रोज नई नई चीजें पहन के चले आते हैं। थैंक यू सर थैंक यू। जूता कहाँ का है? इटली का है सर, इटली का। हील कितना है? 3 इंच। है ना? है तो। और ये पैंट? पैंट जर्मनी का है, जर्मनी। कोट? कोट जापान का है। शर्ट? शर्ट शर्ट सिसली का है। और ये? ये कंट्रोल बोर्ड? ये कंट्रोल बोर्ड फ्रांस का है। इसे तुम पत्र घुसेर में डाल दो, समझे? पत्र घुसेर में डाल दो। अच्छा अच्छा। और ये? ये घड़ी है। घड़ी कहाँ की है? घड़ी कोरिया की, कोरिया की। और तुम कहाँ के? मंचूरिया के? इंडियन हो ना? हिंदुस्तानी बिल्कुल। चोर बाजार से खरीद कर लाते और कहते जर्मनी इटली जापान कोरिया है? जी अगर बनाना है। बनाना है, है। क्या लंच में इसी का इस्तेमाल करता हूँ सर? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। फिर अगर बनाना है तो घर में बीवी को बनाओ, सीबीआई ऑफिसर को नहीं। इससे कैसे? ला लंच का माल है, यही काम दिखा दो। मदर मेरी, तुमने मुझे सब कुछ देकर फिर सब कुछ क्यों छीन लिया? मिस्टर डिकॉस्टा, माय कंडोलेंसेस, हमें बहुत अफसोस है। वो मेरी जिंदगी का एक ही सहारा था। मिस्टर डिकॉस्टा, मैं आपके दुखों को समझता हूं। मेरे भी दो बेटे थे, आज अगर वो होते तो एक सूरज जैसा होता, दूसरा माइकल जैसा। लेकिन आपके बेटों को किसने? देश के गद्दार 20 साल पहले भी थे और आज भी हैं। कुमार साहब, इतनी बड़ी कुर्बानी देकर भी आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हाँ मिस्टर डिकॉस्टा,
क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूं ताकि उन गद्दारों को गिरफ्तार कर सकूं। आपके बेटे को तुम वापस नहीं ला सकते लेकिन मूर्ति जरूर वापस लाएंगे और माइकल के कातिल को सजा दिलवाएंगे। कुमार साहब, क्या मैं भी आपके साथ इस काम में रह सकता हूं? आप? जी, मैं भी आपकी तरह मुस्कुराते हुए जीना चाहता हूं। कुछ समझ में आया क्या इंफॉर्मेशन है? नहीं सर, कुछ नहीं। लेकिन जब माइकल को खतरे का एहसास था तो उसने जरूर इसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन छोड़ी होगी। फिर से चलाओ। हेलो कौन? हेलो, दिस इज SL-304 चीफ। SL-304? हाँ बोलो। मैंने मूर्ति के चोर का पता लगा लिया है चीफ। सच? कंग्रेचुलेशन। वो आदमी चुप कहो माइकल। बात ये है कि मैं यहाँ बड़े मजे में। सर, बात करते करते बात पलटी। इसका मतलब है जरूर कोई ना कोई माइकल का पीछा करा हो। आगे चलाओ। मजे में? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हर बात बनती चली आ रही है। मैं इस वक्त बॉम्बे पुना रोड पे अमित पटेल के घर में बैठकर कॉफी पी रहा हूँ। कल पुना एक्सप्रेस से वापस आ रहा हूँ, बाकी बातें स्टेशन पर मिलने पर होंगी। हर बात बनती चली आ रही है, बॉम्बे पुना रोड, अमित पटेल। अमित पटेल, आपका नाम है मिस्टर अमित पटेल? ऑफ कोर्स, 101% अमित पटेल, डर्बी की घोड़े की तरह अमित पटेल। कल 1 बजे दिन को आपके साथ यहाँ कौन था? आप कैसी बातें करते हैं। यहाँ मैं क्या उल्लू का पट्टा हूँ, रेस के दिन दफ्तर खुला रखूं? सूरज, इसका मतलब कि यहाँ कौन आया था आपको नहीं मालूम, आप कल रेस गए? हाँ जी, हम कहाँ गए थे, घोड़े मुझे बुला कर लेके तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? आई मस्ट कॉल द पुलिस। ठहरिए ठहरिए, हमारे पास सच वारंट है, ये देखिए। सच वारंट कीजिए, सच कीजिए, सब देख लीजिए। लेकिन यहाँ रेस की किताबों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। कीजिए कीजिए। देखा ना साहब, कुछ नहीं मिला। मैंने पहले ही कहा था मैं कोई स्मगलर नहीं हूं साहब। एक बुरा काम करता हूँ जो नहीं करना चाहिए, सिर्फ रेस खेलता हूँ। वारंट लेके सर्च करने के लिए तंग करने के लिए। कुछ समझ में नहीं आया, कोई और अमित पटेल तो नहीं है? नहीं सर, अमित पटेल तो देखो देखो ठीक है, तो विषय जरूर होगा। नाम प्रेम, सूरत क्वेश्चन मार्क, यानी कि देखी नहीं। 31 तारीख की रात को होटल ब्लू जैक म्यूजियम की 50 करोड़ की मूर्ति बिक जाएगी। मतलब बिल्कुल साफ है, इतना बड़ा सौदा किंग के अलावा कोई नहीं कर सकता। और हम सिर्फ प्रेम के जरिए ही किंग तक पहुंच सकते हैं सर। होटल ब्लू जैक। जी हाँ, आपका नाम? हीरो। हीरो जी, ये भी कोई नाम है? क्यों, मैं आपको हीरो नहीं लगता? हीरो तो आप बिल्कुल लगते हैं, मगर अपना नाम तो लिखिए। चार मेम साहब जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, 3 बियर ले आओ। अभी लाया सर। कुछ और चाहिए? नहीं। ओह सर, लगता है आप यहां नए आए हैं। इस शहर में किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे याद कीजिए। ज्यादा समझदार लगते हो। सर, आप लोगों की सेवा करना तो मेरा फर्ज है। जाओ जाओ, बियर ले आओ। अभी लाया सर। बुड्ढे। क्या कहा? बुड्ढा? देख के नहीं चलता अंदर क्या? बाबा गलती हो गई, माफ कर दो। कैसे गलती हो गई, कैसे माफ कर दो, जानता नहीं हम कौन है? अबे ओए, रुबाब तो ऐसे झाड़ता है जैसे यहाँ पर ऑफिसर लगाओ। जरूर ऑफिसर है, मिस्टर द्रोणाचार्य। यस मिस्टर आचार्य। इससे कह दो हम कौन है। ए, हम दोनों वेटर है, ये 6 नंबर, हम 8 नंबर। तुम्हारा नंबर किधर है? हम नया। नया है तो फिर पुरानों से क्यों बात करता है? अरे हम लोग पुराना, बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, समझा? हम लोगों से मत टकरा। चलो हम क्यों चलेगा, इसको चलाओ, ये नया है। ओ जाओ,
तुम चिल्लाकर हमको बोला और किसको बोला? तुमको बोला, जाओ। हम नहीं जाता है। नहीं जाएगा? कहो, जाओ। हम बोला हम नहीं जाता है। तो हम जाता है। चलो। बेरा, बेरा। Yes sir. You damn bloody fool, चटनी किधर है? मिस्टर द्रोणाचार्य। यस मिस्टर आचार्य। ये भिंडी बाजार का होटल है। भिंडी बाजार का होटल? वो तो भिंडी बाजार में है, ये ब्लू जैक होटल है। ये चटनी मांगता है। चटनी मांगता है? हाँ। चटनी भिंडी बाजार में मिलता है, इधर सांस मिलता है। ओ यू फूल, हम इंग्लैंड रिटर्न, जर्मन रिटर्न, अफ्रीका रिटर्न, तुम हमको कैसा खाना सिखाता है? बहरा होके सांप का मुंह लगता है। एक मुर्गी पसंद नहीं। पाया गाने वाले को मुर्गी कैसे पसंद आएगा? बनाना पसंद है। अरे अरे बहरा, ये नहीं बहरा तो मैं हूँ। सॉरी सर, सॉरी सर। दाली, दाली, सब दाली, सब नहीं, एक बोतल और लाइए। बस बस दालिए। Come on, dive, Sheila. Yes, yes, come on. क्या खूबसूरत dive थी। लोग चल रहे हैं शीला। बेटा, ये कबूतर कौन है जिसके साथ ये लड़की इस तरह हंस रही है? हंस रही है कि फंस रही है? अपन को मालूम नहीं साहब। बियर पीजिए और ऊपर वाले से पूछिए। तो मैं एक टिप देता हूँ। टिप? ये लड़की एक दिन मेरे साथ होगी। लड़की? मैम साहब, मछली औरत होती है और औरत औरत से नहीं, मर्द से फंसती है। तुम यहाँ भी आदम के? हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी को भी देख सकता है, किसी से प्यार कर सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे मछली जरूर फंसेगी। विल यू प्लीज स्टॉप इट? आप तो खामखा नाराज हो रही। मैं तो सरकार के बनाए हुए कानून के बारे में कह रहा था। सरकार ने ये भी कानून बनाया है कि आप एक अकेले लड़की का इस तरह पीछा नहीं कर सकते। लेकिन अगर लड़की खूबसूरत हो तो कानून तोड़ना ही पड़ता है। क्या? वैसे मछली जरूर फंसेगी। फंसी, फंसी, फंसी। वन टू थ्री। औरत औरत से नहीं, मर्द से फंसती है। मछली फंसे भी तो कैसे, मर्द हो जब ना। अच्छा, आप मेरी मर्दानगी को चैलेंज कर रही हैं? तो हो जाए एक हाथ। वैसे दो दो हाथ होते तो मजा आता। बेशर्म कहीं के। अजी, इसमें बेशर्मी की क्या बात है, ये तो एक हादसा है। हादसा? हादसा? जी हाँ, एक्सीडेंट। एक्सीडेंटली लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं और आप मुझसे मिली, मैं आपसे मिला, मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, दोनों ने एक दूसरे का देखा तो निगाहें चार हुई, निगाहें चार हुई तो मोहब्बत हो गई। What? अजी, मोहब्बत अभी थोड़ी हुई है, वो तो आगे चलकर होगी। वैसे मछली नहीं फंसेगी। क्यों? आपका नाम मछली है क्या? बदतमीज कहीं के। थैंक यू वेरी मच मैडम, गुस्सा प्यार का पहला कदम है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बहुत अच्छा, ये प्यार का दूसरा कदम है। कौन? भीषम, क्या बात है, क्या कहा? अवैध लेख पर? ठीक है, गिटको लंबो। क्या बात, क्या बात है शेरा? एक जरूरी काम आन पड़ा है। क्या? पवे लेक पर। कुछ भी हो शीला, लड़का बुरा नहीं है, और फिर तुम्हें दिलोजान से चाहता भी है।
माय फुट, क्यों अपने आप को धोखा दे रही हो? तेरी ही नजर बता रही है कि वो तेरे दिल में बस गया है। मेरे दिल में बस गया है वो, अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगी। गोली गोली से हम नहीं मरने वाले मैडम, कत्ल करना है तो तिरछी नजर काफी है। तुम यहाँ भी पहुँच गए? पहुँचा नहीं हूँ, लाया गया। आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ भी खींच लाई है। मोहब्बत? शक्ल देखी आईने में? आईना? हाय, इस कदर तेरा तसव्वुर कभी बढ़ जाता है, आईना देखूं तो मुंह तेरा नजर आता है। यू इडियट, thank you.
ओके मैडम, सी यू। एक बात याद रखिए, नफरत करना बहुत आसान है लेकिन इश्क करना बहुत मुश्किल है। इश्क करना सीखिए मैडम। दंगा स्वामी। यस दंगा स्वामी। देखो ना कैसा आदमी घर आता तो बंदूक दिखाता। अरे हमार रंडा मनी दाना। दो रंडा दो। हमारे घर में क्या कर रहे थे? आर यू जस्ट रेस्ट रेस्टिंग। अरे भाई तुम गर्मी को खाता भाई। अरे भाई हम तो सीधा मद्रास से वाया कलकत्ता इधर आया, तक तक के चूर हो गया। तक तक के क्या हो गया? चूर हो गया। हम भी तक तक के चूर हो गया। यहाँ कोई नहीं था तो हम सोने लग गया। तुम्हारे बाप का घर है या हमारा? तो बाप भी नहीं है जी। ये मकान तो तुम्हारे बाप का भी है। अच्छा तो तुम्हारे बाप हम तो तुमको मिलने को आया जी। खबरदार, दिस इज अनस्पोर्टिंग। हम तुमको चाकू देता तुम हमको चाकू दिखाता। अरे हम तुमसे मिलने आया, तुमसे मिलना जरूरी था। और तुमको ढूंढना मुश्किल, लेकिन हमने तुमको ढूंढ लिया। अयो, तुम गर्मी क्यों खाता भाई? मैं पूछता हूँ तुम हमें ढूंढना क्यों चाहते थे? अरे हम तुमको नहीं, तुम्हारे थ्रू हम ढूंढना चाहता प्रेम। कौन हो तुम? अयो पहले ये बोलो, ये बड़ा हुआ है कि काली? लगता है तुमको दिखाना ही पड़ेगा। इसका मतलब बड़ा हुआ है, लेकिन प्रेम का नाम सुनकर तुम लोग झटका खा गया। इनको खटका आ गया। बोलो तुम प्रेम का आदमी है कि नहीं? तुम 50 करोड़ का मूर्ति चुराया कि नहीं? तुम म्यूजियम के गार्ड को किल किया कि नहीं? तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ाई कि नहीं? और तुम प्रेम के पीछे पड़ाया कि नहीं? बोलो बोलो, ये सब तुम लोग कैसे मालूम हुआ? अरे ये सब मालूम करना हमारा काम है और इसका 50-50 दाम है। साफ साफ बताओ तुम लोग कौन हो? गोली मारूंगा। अरे यो तुम तो बात बात में गोली निकालता है। अरे तुम हमको गोली मारेगा तो तुमको नुकसान होगा। हाँ तो गोली इधर से निकल कर इधर चला जाएगा। हाँ, तुम लोग बिल्कुल उल्लू है। हम उल्लू है? हम उल्लू नहीं बोला, हम बोला उल्लू। तुम उल्लू है, हम झुर्रू है। क्या प्रेम ने तुम्हारा उल्लू बनाया, हमारा झुर्रू बनाया। स्वामी अयो तुम काहे को गर्मी खाता? हीट नहीं खाओ जी। ये अच्छी हीट 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 जी। अरे सुनो, वो प्रेम मद्रासी बनकर हम लोगों के पास मद्रास में आया, जैसा कि हम मद्रासी बनकर इधर तुम्हारे पास आया। और उसके बाद 1 करोड़ का चोरी में। 1 करोड़ नहीं जी, 10 करोड़ बोलो ना। 12 करोड़। 15 पे फैसला करो जी। 15 करोड़ की चोरी में हम लोगों को 50% प्रॉमिस किया। हाँ, मगर जब हम उसका काम कर दिया तो उसने हमारा 100% काम कर दिया। जैसा कि तुमको 50 करोड़ की चोरी में 5% दिया नहीं, और तुम्हारा 100% काम करके चला गया। सिट अप। अब बोलो, अब बोलो कौन उल्लू है? उल्लू नहीं जी, उल्लू झुरलू। झुरलू कौन है? तुम तीन के हम दो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? वही जो तुम लोग चाहते हो। अजी प्रेम ने हम सबको उल्लू बनाया ना, तो हम सब मिलकर प्रेम का उल्लू बनाएंगे और 10-10 करोड़ 1-1 जन बांट लेंगे। एक बात याद रखना। क्या? अगर हमारे साथ कुछ धोखा हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। काट डालोगे? अरे हर बदमाश को यही बोलता, लेकिन जब बदमाश दोस्ती करता है तो बेईमानी भी ईमानदारी से करता है। आज बुलाओ नहीं, आज बुलाओ नहीं।
अरे हमसे भी तो मिलाओ, हम भी तो बदमाश है। नहीं, साय से डरने की कोई जरूरत नहीं माय लव। क्या लेंगे? मुझसे सभी डरते हैं ये जानकर मुझे बेहद खुशी होती है, लेकिन अगर तुम भी मुझसे डरने लगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम लोग यही ठहरो। मैं वो नहीं डालें जो दुनिया वाले मुझे समझते हैं। मेरे भी सीने में दिल है, मैं भी किसी से प्यार करता हूं। ये नहीं जमेगा डालें। क्यों? जहां इन होठों की शराब और इस जिन का शबाब दोनों मौजूद हों, वह ऐसे नशे का क्या काम। कोई भी हूं, कहां है प्रेम? मुझे नहीं मालूम। Now be a good girl. Tell me, कहाँ है प्रेम? कौन प्रेम? मैं किसी प्रेम को नहीं पहचानती। बहुत खूब, प्रेम की प्रेमिका प्रेम को नहीं पहचानती। कहाँ है प्रेम? कह दिया ना, नहीं जानती। निकल जाओ यहाँ से। इस दुनिया में सिर्फ एक तुम हो जिसे प्रेम की असली सूरत का पता है। मुझसे बनने की कोशिश की तो इस खूबसूरत शक्ल को ऐसी बना दूंगा कि जो लोग तुम्हारा कैबरे देखने के लिए हर रोज शाम को दीवानों की तरह भागे चले आते हैं, वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे। मैं फिर आऊंगा 48 घंटों के बाद। उस वक्त भी खामोश रही तो हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा, समझे? डोंट वरी माला, भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते। वो मुझे चक्कू दिखा रहा था। आई नो लव, आई नो। चक्कू दिखाने में और चक्कू चलाने में बहुत फर्क होता है। और फिर 48 घंटे के अंदर अंदर उसे ये भी मालूम हो जाएगा कि चक्कू चलता कैसे है। हेलो, कौन? सुभाष। आप कौन है? प्रेमिका। प्रेमिका? किसकी प्रेमिका? जो करोड़ों का मालिक हो, और आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। कैसे? मूर्ति बेचकर,
पैसों की खातिर आपके साथी आपको धोखा दे सकते हैं, मगर मैं नहीं। और कुछ जानना चाहते हैं तो किसी को बताए बिना आज रात को 11:30 बजे पुराने किले में मुझसे अकेले में मिलिए। आज मैं तुम्हारी शक्ल देख रहा हूं। ये तीनों इडियट कहां चले गए? अरे तुम हमको टेलीफोन पर बुलाया, हम टेलीफोन रखा और सीधा इधर को चलाया। वाया गोवा, वाया गोवा। वन रंड तीसरा किधर जी? यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। अरे जो हमको क्या पूछता, हम क्या उसको पॉकेट में भर के ले जाएगा? अब वो कोई पैकेट तो नहीं था जो पॉकेट में चला जाएगा? हमको तो डाउट होता, वो थर्ड मैन कोई थर्ड पार्टी ज्वाइन कर लिया। करेक्ट दंगा स्वामी, फटीचर बदमाश था। दंगा स्वामी, ये फटीचर का पार्टनर फटीचर तो होगा। हमने बोला जी, ये बोला। सारे सर, सारे मेरे सारे सर। एनीवे, पहले 5 था 10 करोड़ मिलता, अब 4 है 12 करोड़ मिलेगा। क्या बात करता जी, 12.5 करोड़। 12.5 करोड़। दंगा स्वामी, तुम्हारा एवरीथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग बट अरिथमेटिक वेरी वीक। थैंक यू। अरे भाई, हमको तो डाउट होता क्या कि ये लोग हम दोनों को मार के 25-25 करोड़ तो नहीं ले लेगा। अजी कैसे ले लेगा जी, इनको प्रेम हमारा हेल्प के बगैर कैसे मिलेगा? ना प्रेम मिलेगा ना 12 करोड़। 12 करोड़। 50-50। जी हाँ, क्यों नहीं, तुम तो प्रेम के खास आदमी हो। खास आदमी? अयो, प्रेम तो हमको अपना चम्मच बनाकर रखा था जी। हमको भी जी, मगर छोटा चम्मच, टॉय चम्मच। इसका मतलब ये है कि प्रेम को देखते ही तुम लोग पहचान जाओगे। प्रेम क्या, प्रेम के बाप को हम 1 मील से पहचान जाएगा। क्या बात करता जी, 2 मील बोलो ना। 3 मील, 4 मील में फैसला करो जी। तो फिर बताओ इनमें से प्रेम की तस्वीर कौन सी है? नंगे स्वामी, 15 फोटो रख दिया, 1 फोटो रखो तो अभी बताता है। अभी बताएंगे जी, तुम्हें इसमें से ही बताना होगा। नंगे स्वामी बताओ जी। नंगे स्वामी तुम बताओ। नंगे स्वामी, तुम प्रेम को बड़ा चमचा, हम तो टॉय चमचा जी। देखो 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 रंगस्वामी, ये चमचा। चमचा नहीं, चश्मा। चश्मा बताने का नहीं, देखने का है। ये चश्मा देखने का है, तुम बताओ। अजी हम कैसे बताएंगे जी, हमारे चश्मा में तो शीशा ही नहीं है। बकवास बंद, बताओ। बताएंगा अब, क्यों नहीं बताएंगे जी। रंगा स्वामी आओ ना, ये आओ ना, हम बताएंगा। ये प्रेम। अच्छा,
कैसा बात करता है, ये देखो ना फोटो देखो ना, ये है ये प्रेम रंगा स्वामी फैसला करो नहीं ये प्रेम नहीं, तुमको शर्म नहीं आता, तुम दोस्त होकर हमारे इंतजाम लेता है। अरे इनका इंतजाम लो जी, तुम बताओ कौन है प्रेम, कौन सा प्रेम तुम बताओ, हराम सादो जान बूझ कर बताना नहीं चाहते हो, बताएंगे क्योंकि तुम प्रेम के आदमी हो। देखो रंग स्वामी तुम क्रिकेट खेला है, क्रिकेट कई बार WWE तो बोलता है LBW रंगा स्वामी। यस रंगा स्वामी क्रिकेट खेला है, क्रिकेट रन आउट किया ना जी। रंगा स्वामी अब इनसे पूछो असली प्रेम का फोटो कौन सा है, बोलो जी, बोलो। पिस्तौल फेंक दो। अरे ये वाला फोन है, कौन है भाई, तुम लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हो। कहाँ गायब हो गए, अंदर गए हम। कौन क्या बदनसीबी है, प्रेम की सूरत दिखते दिखते रह गई। 31 तारीख की रात को उस मूर्ति का सौदा इसी होटल में होने वाला है, तब तक प्रेम यहां से नहीं जाएगा। वो दूर नहीं, यही कहीं, मगर उसे पकड़ने का हमारा तरीका गलत है, क्या ख्याल है? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि प्रेम को हम पर शक हो और वो हमारा पीछा करे। क्या बात कही लाले, देख ले साले। बोल रे लाले, पूछ रे साले, बोल रे लाले, पूछ रे साले, सोच समझ के बतलाना, बतलाना क्या बतलाना, सोच समझ के बतलाना, यहाँ किसकी सूरत असली है। बड़े मियाँ, अरे बड़े मियाँ क्या अर्ज करूँ, यहाँ सबकी सूरत नकली है, सबकी सूरत नकली है। अरे बोल रे लाले, अरे पूछ रे साले, बोल रे लाले, अरे पूछो ना साले। इंसान तो मिलना है मुश्किल, क्यों 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 क्यों, इंसान तो मिलना है मुश्किल, देखा है शैतान मैंने, देखा है शैतान, देखा है तो मुझे बता दे, देखा है तो मुझे बता दे, कैसा है वो जरा दिखा दे, तुझे दिखा के मैं फंस जाऊं, तुझे दिखा के मैं फंस जाऊं, मुफ्त में अपनी जान गवाऊं। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, जान के डर से नीयत तेरी बदली है। बड़े मियाँ, अरे बड़े मियाँ क्या है?
अर्ज करूं यहाँ सबकी सूरत नकली है, सबकी सूरत नकली है। अरे बोल रे लाले, अरे पूछ रे साले, बोल रे लाले, अरे पूछो न साले। सच की खातिर मौत से डरना मर्दों का नहीं काम बेटा, मर्दों का नहीं काम। अरे हिम्मत करके पी लेता हूँ, पी जा बेटा पी जा। अरे हिम्मत करके पी लेता हूँ जहर भरा ये जाम, देखो जहर भरा ये जाम। अब जल्दी से कर दे इशारा, अब जल्दी से कर दे इशारा, कहाँ छुपा है वो हत्यारा। यही कहीं है, अरे दूर नहीं है, यही कहीं है दूर नहीं है। सुबह से पहले पकड़ा जाए, जंजीरों में जकड़ा जाए, पकड़ा जाए, जकड़ा जाए, जकड़ा जाए, पकड़ा जाए। देखो 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 अभी से उसकी हालत कितनी पतली है, हालत कितनी पतली है। बोल रे लाले, अरे पूछ रे साले, अरे बोल रे लाले, पूछो ना साले। मिस्टर आचार्य। यस मिस्टर द्रोणाचार्य। अरे गागा के गला सूख गया, मगर उसका गला नहीं पकड़ सके। लेकिन उसके दिल में शक तो पैदा कर दिया है, वो शक दूर करने जरूर आएगा। तुम बहुत शक्की आदमी। और फिर अपने पास एक तरकीब है उसे पकड़ने की। हाँ तरकीबें तो बहुत है, मगर पकड़ा नहीं गया। अरे ये क्या है? यह है एक मामूली सीटी, लेकिन इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर है। किसी के भी जेब में डाल दो ना और इसे खोल दो तो बजना शुरू, तो हमें पता चल जाएगा वो आदमी कहाँ है। ये देखो। अरे देखने में तो बिल्कुल बच्चों की सीटी लगती है। बोलो लाले और साले कौन है तुम? मेरा नाम है मिस्टर आचार्य, इनका नाम है मिस्टर द्रोणाचार्य। सीटी बजाए तो गोली मार दूंगा। कोई फायदा नहीं, गोली मारो तोप मारो इसकी सीटी बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पैदा होते ही इसकी सीटी बज चुकी थी। सुन लिया? नीचे गाना गा रहा था, यहाँ सीटी बजाता है। मैं समझाता हूँ। जैसे हकला गाना ठीक गा सकता है लेकिन बोलते वक्त हकलाता है, वैसे ये गाना ठीक गा सकता है लेकिन बोलते वक्त इसकी सीटी बज जाती है। देख अब बताओ तुम लोग कौन हो, वरना गोली मार दूंगा। तुम सीटी में बताओ क्या कहता है। ये कहता है कि इसके पेट में सीटी चली गई है, यहाँ ऑपरेशन करवाने आया है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर सीटी बड़ी जल्दी निकालते हैं। सीटी क्या कहता है? ये कह रहा है कि इसके पेट में बड़ी जोर से दर्द हो रहा है क्योंकि सीटी चुभ रही है। निकल गया साला। ओ सीटी भी निकल गई। कहाँ निकल गई? मेरे मुंह से निकल गया, उसकी जेब में चली गई। अरे बहुत अच्छा हुआ, मैगनेट का मैगनेट लेकर चलो उसका पीछा करेंगे। हो गया। माइकल तुम? माइकल? व्हाट ब्लडी माइकल? अरे ये माइकल ही तो है। अरे माइकल तू जिंदा है बेटा? बेटा? किसका बेटा? हाँ? हाँ? अरे बेटा मेरा बेटा और किसका बेटा?
तू अपने बाप को नहीं पहचानता? मैं डिकॉस्टा हूँ। मैं किसी डिकॉस्टा को जानता नहीं हूँ और ना ही मैं माइकल हूँ। मेरा नाम सोहन है, सोहन। क्या बात कर रहे हो माइकल, तुम कैसे ने नहीं पहचानते? ये तुम्हारा बाप डिकॉस्टा। डिकॉस्टा, क्या बकवास लगा रखी तुम लोगों ने? मैं अभी मैनेजर को फोन करता हूँ। लगता है एक्सीडेंट की वजह से बेचारे का दिमाग चल गया है, पागल हो गया। क्या कहा, पागल? अगर 10 सेकंड के अंदर तुम दोनों बाहर नहीं गए तो मैं तुम दोनों को पागल बना दूंगा। डिकॉस्टा, मुझे तो शक हो रहा है कि वो अपना माइकल नहीं है। अजी माइकल तो क्या, मुझे तो लगता है ये साइकिल भी नहीं है। मैं मोटरसाइकिल बना दूंगा। यू टू आउट, यू फुल। एक ही शक्ल के दो आदमी, ये कैसे हो सकता है? हो तो नहीं सकता है, एक शक्ल के दो आदमी। मैंने आए, इन दोनों की शक्ल तो एक लगती है, यानी एक शक्ल के दो आदमी। What? पीपी is not available. चाय मैम साहब। रख दो, मैं पिछले 7 दिनों से यही सुन रही हूँ। इडियट, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं मैम साहब, जरा चाय पीने की तबीयत हो रही है। क्या कहा? ठहरो, मैं अभी मैनेजर को बुलाकर तुम्हारी तबीयत साफ कराती हूँ। लेकिन एक प्याला चाय पिला दीजिए। क्या हुआ मम्मी? लुक एट द रॉट, वेटर होकर हमारे सामने सोफे में बैठता है, अपनी औकात को भी नहीं पहचानता। ए मैम साहब। हेलो। अगर मैं अपनी औकात को नहीं समझता तो यहाँ हरगिज नहीं बैठता, समझे आप? हेलो बेटा। शीला। रमेश, मैं तुझे ट्रंक कॉल कर करके थक गई हूँ और तू यहाँ ब्यारा बना हुआ है। ओ मामा, हम लोग को क्या कुछ नहीं करना पड़ता, जानती हो देश की रक्षा की खातिर हमें तरह तरह के रूप बदलने पड़ते हैं। मम्मी तुम्हें याद होगा जब तुम लोग लंदन जा रहे थे तो तुमने मुझे भी साथ आने को कहा था ना, लेकिन मैंने इनकार किया था क्योंकि मम्मी मैं अपने देश से अलग नहीं होना चाहता, ये देश ही मेरा सब कुछ है माँ। वो तो है, मगर तू यहाँ ब्यारा बना क्या कर रहा है? किसी की तलाश कर रहा हूँ माँ, मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। सीबीआई ऑफिसर? मगर इस होटल में तुम किसकी तलाश कर रहे हो भैया? जो मेरा खून कर देना चाहता है, ये वो गुनहगार है जिसे कानून कभी माफ नहीं करेगा। वो हमारे देश की बेशकीमत चीजें दूसरे देशों के हाथ बेच देता है। इतने बड़े देशद्रोही को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा माँ, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हमारे पास? हाँ, क्योंकि मुझे उसी आदमी पर शक है जिसकी दोस्ती आजकल शीला से बढ़ती जा रही है। तुम्हारा मतलब है सूरज? शीला, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता क्योंकि वो अपने आप को एक सीबीआई ऑफिसर कहता है। सुनो, तुम उसे पूछ कर देखो, अगर वो अपने आप को सीबीआई ऑफिसर कहे तो ये वही बदमाश है जिसकी कानून को बहुत दिनों से तलाश है, और मैं उसे कभी चैन नहीं लेने दूंगा। एक बात तो बता सूरज, तुम काम क्या करते हो? ये क्या पूछ रहे तुम? बस यूं ही। आई एम इन सीबीआई। तो तुम वाकई सीबीआई में हो? हाँ, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैं वहां का ब्रांच मैनेजर हूँ। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरे भैया का कहना है कि इस होटल में एक ऐसा मुजरिम वहां छुपा है जो अपने आप को सीबीआई ऑफिसर कहता है, और मेरे भैया खामखा तुम पर शक कर बैठे, लेकिन मेरा दिल कहता था कि मेरा सूरज। ए, तुम्हारे भैया क्या काम करते हैं? सीबीआई ऑफिसर। कहाँ रहते हैं वो? यही, इस होटल में। इस होटल में? शीला, अभी तो फोन किया था, कहाँ चली गई? अब बोलिए मेरे सीबीआई ऑफिसर साहब, आपको जरा तकलीफ दूंगा जिसके लिए मैं पहले ही माफी चाहता हूं। जरा अपना मेकअप उतारने की तकलीफ कीजिए ताकि मैं आपकी असली सूरत देख सकूं। वो दबलारी है। Shut up and take it off. That's good. मैं इस सूरत को देखने के लिए बहुत दिनों से बेकरार था, इसलिए नहीं कि ये बहुत खूबसूरत है, बल्कि इसलिए कि मैं इस घिनौनी सूरत को लोगों के सामने पेश कर सकूं और उनसे कहूं कि थूको इस पर। ये है वो गद्दार जो चंद सिक्कों के लिए देश की अमानत को बेच देना चाहता है।
क्या दिया है इस देश ने हमको? गरीबी, भुखमरी, बेकारी। हाँ, मगर इस देश ने हमें रामायण और महाभारत भी दिए हैं, जिन्होंने सभ्यता को जन्म दिया है। हाँ हाँ, आजकल पैसे का दूसरा नाम सभ्यता है। लेकिन सभ्यता का दूसरा नाम पैसा नहीं। तुम कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि इस वक्त ये पिस्तौल तुम्हारे हाथ में है, और अगर ये पिस्तौल मेरे हाथ में होती क्या हुआ? अब सुनो मेरे देशभक्त, जिसने मेरी असली सूरत देख ली, इस दुनिया ने फिर कभी उसकी सूरत नहीं देखी। जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला सिर्फ एक ही है, और उसका नाम प्रेम नहीं, भगवान है। के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? जो तुम सुन रही हो। तुम वादों का क्या होगा जो तुमने किए थे? उन सपनों का क्या होगा जो तुमने दिखाए थे? वो वादे, वो सपने मैंने अपनी महबूबा को दिखाए थे और महबूबा से किए थे। एक देश के गद्दार की बहन मेरी महबूबा नहीं हो सकती, समझी? सूरज, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं कहता हूं छोड़ दो। क्या बकते हो? मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो सकता है? मुझे खुद समझ में नहीं आता किंग, सीबीआई ऑफिसर माइकल को मैंने अपने इन हाथों से मार डाला था, लेकिन आज खुद उसे मैंने अपनी आंखों से जिंदा देखा है। अगर वो सीबीआई ऑफिसर माइकल है तो सीबीआई का कोई ना कोई आदमी उसे जरूर मिलने आएगा। गुड इवनिंग सर, चाय लाया हूं। अच्छा क्या चाय ले आए? वहां रख दो। मैंने कहा ना, चाय इधर नहीं उधर रखो। क्या फर्क पड़ता है? तो तुम वही आदमी हो, उस दिन तुम मुझे उस बुड्ढे का बेटा बनाना चाहते थे, आज क्या चाहते हो? तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, अपने बाप को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं जानता हूं तुम माइकल हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं माइकल नहीं, सोहन हूं। सोहन, सोहन, तुम सोहन नहीं हो माइकल। अपने बाप के जज्बात को समझने की कोशिश करो। जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा से भी इज्जत है तो तुम उस एहसास की कसम बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कसम? कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या? बात यह है कि इंसान बेटे की तमन्ना इसलिए करता है कि बुढ़ापे में बेटा उसका सहारा बन सके। मुझे डिकॉस्टा की किस्मत पर रहम आता है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस कदर संग दिल हो। मुझे तुम्हारी उम्र पर रहम आता है, वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ कर रख देता। और अगर इसके बाद भी तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह भी बंद कर दूंगा, समझे? अरे आप तो सबूत हाथ तोड़े। मैं देखिए देखिए देखिए, मैं तो मजाक कर रहा था, माफ कीजिए। हम लोग वेटर ठहरे। देखिए मेरा नंबर 6 है, मुझे छक्का समझ के माफ कर दीजिए। गेट आउट। अरे बाप, धक्का क्यों मार रहे हैं? गेट आउट। धक्का क्यों मार रहे भाई? गेट आउट यू नंबर 6। अरे साहब, जाता हूं मैं, जाता हूं। मगर पहले मुझे ये बताओ कि माइकल मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आहिस्ता डिकॉस्टा, दीवारों के भी कान होते हैं।
अगर किसी को पता चल गया कि सोहन नहीं माइकल है तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। खेल? फर्ज का खेल। फर्ज के खाते उसने फिर अपने आप को खतरे में डाल दिया। हर दफा माइकल ही खतरे में पड़ेगा, तुम और हम कभी नहीं पड़ेंगे। बात यह है कि माइकल को जिंदा समझकर किंग असलियत का पता लगाने की जरूर कोशिश करेगा। ये कहां ले आया मुझे? हाँ? ये क्या है भाई, आप क्या बॉक्सिंग वॉक्सिंग का शौक रखते हैं? क्या किया है मैंने? काहे को फोकट में मार रहे मुझे? हाँ? आप जैसे खास मेहमानों का हम इसी तरह स्वागत किया करते हैं। सीबीआई इंस्पेक्टर माइकल साहब, माइकल को बुला रहे हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ सीबीआई इंस्पेक्टर माइकल। यस। मैं नहीं, नहीं, नहीं। मेरा नाम सोहन है। सोहन करो माइकल, हम पहले भी मिल चुके हैं। लो, ये हमसे पहले भी मिल चुके हैं। पिछले जन्म में मिले होंगे मेरे भाई, इस जन्म में नहीं। तुम सोहन नहीं, सीबीआई इंस्पेक्टर माइकल हो। मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे सीने में खंजर भोंका। फिर तो मेरा सीना बहुत ही मजबूत होगा। आपने मेरे सीने में खंजर भोंका? बिल्कुल। आपने मेरे सीने में खंजर भोंका तो मैं जिंदा कैसे बेवकूफ? वेट ए मिनट, तुमने इसके सीने में खंजर भोंका? ये तो यही कह रहा। तब तो इसके सीने पर खंजर का निशान होना चाहिए। बिल्कुल। शेरा शेरा, मशीन बिगड़ जाएगी, इसे टेबल पे रख दो और दोस्ती का हाथ निकाल। सांप का हाथ नकली है। मुझे तो सांप भी नकली नजर आ रहा है। शेरा, छोड़ दो इसे। क्यों किंग, अब तो तुम्हें पूरा यकीन हो गया मैं माइकल नहीं सोहन हूँ? हाँ, मुझे यकीन हो गया। मगर एक बात है, आज तक तुम माइकल नहीं थे, मगर आज से माइकल हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम सीबीआई ऑफिसर बनकर सीबीआई ऑफिस जाओगे और वहां की तमाम खबरें लाकर मुझे दोगे। सीबीआई ऑफिस? मगर क्यों? इसलिए कि तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है। मेरी शक्ल उससे मिलती है? नहीं किंग, अगर मैं सीबीआई ऑफिस जाऊं और वो लोग मुझे पकड़ लें तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। अगर वो तुम्हें जान से नहीं मारेंगे ना, तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। सामने शैतान पीछे समुंदर, करूं तो क्या करूं। लुक, लुक, लुक। एक बात सुनो, अगर तुम हमारा कहना मानोगे ना तो हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे और ऊपर से तुम्हें बहुत सा माल देंगे। माल भी देंगे, जान भी बचेगी, मुझे मंजूर है। जब तक आपका साया मेरे सर पे है मुझे कुछ नहीं हो सकता। यू आर वंडरफुल बॉय, यू आर वंडरफुल बॉय। कितना मजा आएगा, हमारा आदमी सीबीआई ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर हमारा आदमी। सोहन माइकल। अरे हाँ माइकल, ग्रेट बॉय, ग्रेट बॉय। विशन, इसके रहने का इंतजाम करो और एक नए शर्ट का भी। नया शर्ट भी? चलो। वंडरफुल वंडरफुल आज का दिन। किंग, कहीं इस लड़के के बारे में आप गलती तो नहीं कर रहे? क्या मतलब? यही असली माइकल तो नहीं? यू आर ए ब्लडी फूल शेरा, वो तुम्हें बेवकूफ बना सकता है। गारगा को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। मिस्टर गारगा, एक दिन मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं भी बेवकूफ नहीं। तुम्हें गलत फहमी हुई है शेरा, अगर वो सचमुच माइकल होता तो उसके सीने पे खंजर के निशान जरूर होते। निशान छुपाने के कई तरीके होते। ये खोलो, यहां लगाओ, देखो निशान गायब। कमाल है, इसका मतलब उसने हमें धोखा दिया। इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। यही है वो सीबीआई का सबसे ज्यादा मैं करने वाला बकरा। घस डाल दो। कोई बात नहीं, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। हसीनों से टक्कर खाकर गिरना तो हमारे खानदानी आदत है। लेकिन आप हैं कौन? माय रोमियो महवाल मजनू फराज सबका बाप, हुस्न का आशिक, आई मीन टू से लवर ऑफ ब्यूटी। मिस्टर लवर ऑफ ब्यूटी? यस माय ट्यूटी एंड फ्रूटी। अगर किसी हसीन लड़की को कहीं जाना हो और वो थक गई हो तो आप
क्या करेंगे? मैं तुम दोनों को उस उड़न खटोले पर बिठा कर जन्नत की सैर कराऊंगा। आई मीन टू से हर वन। आप इस पर बैठिए, फिर देखिए मैं कहां ले जाता हूं आपको। आइए आइए बैठिए ना। अरे सांप क्या? दो आदमी को जला के मार दिया सांप ने। सांप ने दो आदमी को जला के मार दिया। ये क्या कह रहा है डिकोस्टा? मुझे लगता है कुमार साहब कि ये वही नाग देवता है जो कि मूर्ति की रखवाली किया करता था। हो सकता है। अगर ये बात है तो उसी सांप के जरिए हम लोग मूर्ति तक पहुंच सकते हैं। गुड आइडिया। कहाँ है सांप? गैरेज सांप में है। कुमार साहब, ये तो वही नाग देवता है। नाग देवता, हमको मूर्ति तक पहुंचा सकोगे? अरे तो हाँ बोल रहा है। बोल रहा नहीं, बोल रहे हैं। भगवान बोलता नहीं, बोलते हैं। गुलाम रसूल, तुम जाकर फौरन माइकल और सूर्य को खबर दो। हाँ, और हम नाग देवता के बीच में मूर्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहले आप। यहाँ ठहर गए हैं क्योंकि यहाँ कहीं बदमाश ने मूर्ति छुपाई होगी।
नाग देवता, आपने देश की बहुत बड़ी अमानत को बचा लिया। पुलिस ने होटल ब्लू जैक को चारों तरफ से घेर रखा है, इसीलिए किंग ने मूर्ति के खरीदार शेख तालिब को उस होटल में न बुलाकर अपने खुफिया महल में बुलाया है। मुझे मूर्ति लेकर वहां जाना होगा। तुम किंग को नहीं जानते प्रेम, वो तुम्हें मारकर सारा माल अकेला खा जाएगा। लव, प्रेम हर काम बड़े प्रेम से करता है। वो देखो, यह है किंग के खास आदमी, लेकिन पगार आजकल मुझसे लेते हैं। मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे मूर्ति भी अपनी और माल भी अपना। चलोगे या पुलिस से चालान करवाओगे? मेरे पति जिंदा है भगवान, मैं उनसे मिलते मिलते रह गई, मिलते मिलते रह गई। डैडी आज बहुत खुश हैं। मूर्ति को म्यूजियम में ले जाने के लिए वो शानदार तैयारी कर रहे हैं। मूर्ति म्यूजियम में जरूर वापस जाएगी, लेकिन किंग की गिरफ्तारी के बाद। यस, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर कुमार, आपको मूर्ति मिल गई और मेरा काम आसान। कौन हो तुम? मैं किंग। आप जिसे सीबीआई ऑफिसर माइकल समझ रहे हैं वो मेरा ही आदमी है। एक घंटे के अंदर अंदर आप मेरे आदमी के साथ मूर्ति लेकर मेरे पास आ जाइए, वरना आपकी पत्नी सीता। क्या? अच्छा तो एक काम कीजिए ना, आप खुद उनसे बात कर लीजिए। सीता लीजिए, बात कीजिए। सीता, आप? सीता तुम जिंदा? आप इसकी बात में नहीं है, आपको मेरी कसम मूर्ति न लाइएगा। मुझे मर जाने दीजिए, मगर अपने फर्ज को मत मोड़िएगा। आपको मेरी कसम मूर्ति न लाइएगा, मूर्ति नहीं। सीता, 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 क्या हुआ सीता? सीता, सीता, सीता। सर, कितना बदनसीब हूं मैं। मेरी पत्नी जिसे मैं समझता था इस दुनिया में नहीं है, वो जिंदा है लेकिन किंग के कब्जे में। अगर एक घंटे के अंदर अंदर मूर्ति वापस लेकर नहीं पहुंचा तो कह रहा वो सीता को मार डालेगा। लेकिन मैं मूर्ति कभी उसे वापस नहीं दूंगा। सर, आपकी पत्नी की जान खतरे में है। मैं जानता हूं, फर्ज की खातिर मैं दो बेटों को कुर्बानी दे चुका हूं, एक कुर्बानी और सही। सर, किंग मुझे अपना आदमी समझता है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे मूर्ति भी बचाएगी और आपको कुर्बानी भी नहीं देनी पड़ेगी। अरे चल रहा भाई, धक्का को मार रहे हो, जरा देखने दो कहां है। आपका पुराना दुश्मन सीबीआई चीफ कुमार, हमसे पहले इसे मूर्ति मिल गई थी और मूर्ति लेकर ये सीबीआई ऑफिस जा रहा था। वेलकम सीबीआई चीफ मिस्टर कुमार, मैं तुम्हारा पुराना चहिता गार्गा।
पहचाना मुझे? मैंने तुम्हें पहचान लिया है गर्गा, लेकिन तुमने मुझे ठीक तरह नहीं पहचाना। इस वक्त मैं सीबीआई चीफ कुमार नहीं हूँ, तुम्हारी मौत हूँ। मेरी मौत? देखो देखो, ये देखो, मौत के मुंह में आकर मौत को मौत की धमकी दे रहा है। बंद करो बकवास, सीधी तरह बताओ मेरे बीवी कहाँ है। हाँ हाँ बताते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है भाई। शेरा, ये रहा तेरा इनाम। एक दिन तूने बहुत सच कहा था कि तू बेवकूफ नहीं है, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। जाओ। और हाँ माइकल, तुमने तो मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है कि अगर मैं पूरी की पूरी मूर्ति तुम्हें दे दूं तो वो भी कम है। मगर फिक्र ना करो, तुम्हारा इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं अभी लाता हूं। मिस्टर कुमार, ये जो माइकल है ना, सोहन, ये तुम्हारा बेटा है। सोहन? माइकल मेरा बेटा? ये कैसे हो सकता है? अरे कमाल है, यानी कि बाप बेटे को नहीं पहचानता। हाँ हाँ, शायद माँ पहचान ले। सीता, सीता, ये कहता है माइकल सोहन है, हमारा बेटा। माइकल सोहन? हाँ हाँ हाँ, इसी में मेरा सोहन। बिल्कुल ठीक, इसी प्रेम में से उठाकर क्यूरेटर डिकॉस्टा ने सोहन को पाला और सोहन माइकल बन गया। सोहन मेरा बेटा। इंस्पेक्टर साहब, अंदर उनकी जान खतरे में है, अब हमला कर देना चाहिए। जब तक माइकल का सिग्नल नहीं आएगा तब तक हम हमला नहीं कर सकते। आप तुम दोनों अपने जवान बेटे की मौत अपनी आंखों से देखोगे, यही तुम्हारी सजा है। हम आ गए। कौन? वाई वाई वाई, आपके खरीदार। खुशामदीद, खुशामदीद शेख। माल लाया? मूर्ति लाया? हाँ हाँ मूर्ति लाया, वो सामने रखी है मूर्ति। तो ये माल भी सामने रखा है? अरे वाह। अरे तुम तो ये माल देखकर खुश हो गया, जो हम तुम्हारे लिए असली माल लाया, तुम वो देखेगा तो तुम्हारा होश उड़ जाएगा। असली माल? हाँ। कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। क्यों किंग, माल पसंद आया? बहुत पसंद है शेख, बहुत पसंद है। और जालिम, ओ क्या जालिम आंखें! वही वही वही, जालिम निगाहें भी है। क्या काफिर जवानी है? अरे जवानी दीवानी है। क्या नाजुक बदन है? अरे नाजुक अदाएं भी है। और क्या कातिल हुस्न है? अब तुम बच नहीं सकता किंग। हमारा मतलब है कातिल हुस्न से। तुम्हारा मतलब समझ गया शेख, मगर शेख तालिब, जिस कातिल हुस्न का हमने तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर रखा है ना, उसके हुस्न के वारिस तुम भी नहीं बन सकोगे। वही वही वही, तब तो बहुत मजा आएगा। कातिल से कातिल टकराएगा। हाँ जरूर टकराएगा, मगर माल मिलने के बाद। हमको भी मूर्ति मिलने के बाद। इस लड़की को हमारे ख्वाबगाह में ले जाओ। शेख तालिब, जरा इनसे मिलो, ये हैं सीबीआई के बहुत बड़े इंस्पेक्टर। सीबीआई के इंस्पेक्टर? ओए, ओए तुम्हारा नाम क्या है ब्रदर? तुम्हारा दुश्मन। वही वही, हम तुमको ब्रदर बोला और तुम हमको अपना दुश्मन बोलता है? कुछ भी बोलता है, मगर तुम मूर्ति यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। अरे मूर्ति तो क्या, हम तुम सबको इधर से यूं ले जाएगा। मेरा मतलब है ऊपर ऊपर। अरे आपकी तारीफ। मैं बताता हूँ शेख, ये इसके पिताजी हैं। वस्सलाम अलैकुम। मिस्टर कुमार नाम है आपका, चीफ ऑफ सीबीआई। सीबीआई चीफ?
अरे किंग, तुम हमको इधर सौदा करने के लिए बुलाया या पुलिस में पकड़ाने के लिए? अरे शेख, तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि इन दोनों के यहाँ होने से पूरी सीबीआई हमारे कब्जे में? बाप बेटा दोनों साथ? अरे बाप बेटा नहीं, बल्कि माँ भी। माँ भी? इसका एक और बेटा है, सीबीआई इंस्पेक्टर सूरज, जिसको इसने पाला हुआ समझा था, वो इसका बेटा है। सूरज, मेरा मेरा अपना बेटा? अरे क्या बात है शेख, तुम्हारी आंखों में आंसू? किंग, हमको हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा मां याद आ गया। कमाल है, दो नंबर का धंधा करते हो और दिल इतना कमजोर। हाँ किंग, जब हम अपना मां को याद करता है तो कमजोर दिल, और जब धंधे की बात करता है तो मजबूत दिल। वही वही वही, इनका दूसरा बेटा किधर है? वो सूरज? वो भी आता होगा शेख, 20 साल पहले मैंने इस खानदान को मार डालने के लिए एक ट्रेन उड़ा दी थी। इन लोगों की मौत मेरे हाथ से जरूर लिखी हुई थी, मगर उस वक्त नहीं, 20 साल बाद। किंग, 20 साल पहले तुम इन लोगों को मारने का कोशिश की और परवरदिगार ने इनको बचा लिया। ये सारा हालात देखकर हमको ऐसा लगता है कि इस बार भी तुम इनको मारने का कोशिश करेगा तो परवरदिगार इनको बचा लेगा। किंग, ये रहे असली शेख तालिब। यस, वही वही किंग, मुझ तुम निकालेगा कि हम खुद निकालेंगे? मोहन। अच्छा, तो सीबीआई इंस्पेक्टर सूरज उर्फ मोहन उर्फ शेख तालिब, वही वही। आज मरने वालों में सबसे पहला नंबर तुम्हारा। नहीं, ये शिकार हमारा है, हम इसको मार मार के भुर्ता बना देगा। अरे भाई आइडिया बहुत अच्छा है, चलो भाई मुकाबले में चलो। हाँ हाँ, इसके साथ। ओके, आप जरा माल का ध्यान रखिए, तब तक मैं मैदान जंग में होकर आता हूँ। आजा बच्चे। देखो शेख, हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, हम खाली तुम्हारा कपड़ा उतारा। ये लो तुम्हारा कपड़ा और तुम्हारा पैसा किंग से लो। पैसे का बच्चा। साला सॉलिड है। शाबाश बेटे। पिताजी आप, मैं देखता हूं। भैया इसे मैं देख लेता हूं। असली होकर नकली से मार खा रहा है। और ये मेरे शेख, शेर बन, शेर जल्दी बन शेर। ये तो मर गया। मैं जानता हूं, बहुत अच्छा हुआ मर गया, अब मूर्ति भी हमारी और माल भी हमारा। मगर शेरा, मुझे लाश से बड़ी घिन होती है, इसे फेंकवा दो।
थैंक यू सीबीआई इंस्पेक्टर सूरज, इसको मारकर तुमने मेरा काम आसान कर दिया और तुमने मेरा। हाय किंग। हेलो प्रेम। वेल डन किंग। अब जरा जल्दी से माल का बंटवारा कर लेते हैं। माल कौन सा? माल और मूर्ति। अरे मगर वो मूर्ति तुमने तो ही मुझे यहाँ लाकर नहीं दी। लेकिन म्यूजियम से तो मूर्ति मैंने उड़ाई थी। और मैं तुम्हें उड़ा देता हूँ। लेकिन किंग, मेरा ख्याल है सीधी तरह अगर तुम भी इन लोगों के साथ लाइन में आ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। आर यू सीरियस? आई एम सीरियस। अब मैं ये सोच रहा हूं कि इधर से शुरू करूं या इधर से शुरू करूं। Thank you.
को ब्रेन। कारगा को मारना इतना आसान नहीं है। और ये खूबसूरत तितली जिसके साथ मिलकर तुम मुझे मारने का प्लान बना रहे थे वो तुम्हारी नहीं मेरी महबूबा है। और हाँ, वो जो तुम्हारे दो साथी थे जिन पर तुम्हें बड़ा नाश था, वो बेचारे वो थामने देखो। और अब तुम्हारी बात। पिस्तौल फेंक दो, पिस्तौल फेंक दो। हाथ ऊपर। शाबाश शीला, आज तूने एक बहन का फर्ज अदा कर दिया। किंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि आजकल का जमाना किंग लोगों का नहीं, प्रेम का जमाना है, प्रेम का। एंड यू माय लव, मान गया तेरी अदाओं को। तुमने प्रेम की आंखों में प्रेमी की धूल झोंक दी। क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, अपने साथियों तक को मार डाला मैंने, और तुमने उसके बदले में मेरे साथ ये नाटक किया। कोई हिला तो फोन कर दूंगा। कहेंगे अब अच्छा यही होगा कि तुम इन लोगों के साथ मेरी जगह लाइन में खड़े हो जाओ। कान खोल कर सुन लो, अब मैं तुम सब लोगों को मारकर उसी प्लेन से हिंदुस्तान से बाहर चला जाऊंगा जो किंग तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। भैया, नहीं। अगर मैं इन लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा तो ये सब मुझे मार डालेंगे। इन्हें मरना ही होगा, इन्हें मरना ही होगा। शिला, रुक जाओ। भैया, अगर तुमने गोली चलाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं, रुक जाओ भैया। नहीं शिला, तुम मुझे गोली नहीं मारोगी, तुम तो मेरी बहन हो, लेकिन मैं इन सब लोगों को मार डालूंगा। मेरे भैया, भैया, भैया। जितनी जल्दी उनके पास जाकर खड़ी होगी उतनी ही जल्दी आपके भैया से मिलोगी। भैया, चलो। पकड़ लिया है तो समझ लिया कि किंग को भी पकड़ लोगे। अबे किंग के प्यादे, पुलिस ने इस जगह को घेरा हुआ है। अब किंग तो क्या, कोई एम्प्लॉय भी नहीं बच सकता। मेरे तीन गिनते ही इन सब को गोली से उड़ा लो। ठहरो गार्गा, ठहरो। मैं, मुझसे बड़ी भूल हुई। मुझे तो पहले समझ लेना चाहिए था कि जो शख्स चार आदमियों को मारने के लिए पूरी ट्रेन उड़ा सकता है उसके लिए किसी की जान लेना बड़ी मामूली बात है। मैं तुमसे एक समझौता करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे समझौता करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है गार्गा, बहुत जरूरत है। आते वक्त मैं पुलिस को साथ लेकर आया था और पुलिस ने इस जगह को चारों तरफ से घेर रखा है। अगर अगर 10 मिनट के अंदर मैं बाहर न गया तो पुलिस जगह पर छापा मार देगी। गार्गा, मैं सीबीआई चीफ हूं, इतना बेवकूफ तो नहीं कि तुम्हारे अड्डे पर अकेला चलाऊं। तुम बकवास करते हो। अब भी वक्त है गार्गा, अब भी मैं इस वायरलेस ट्रांसमीटर से पुलिस को रोक सकता हूं। क्या समझौता करना है? हम सबकी जिंदगी और सारे माल का आधा आधा। इसके बाद मैं बीवी बच्चों को लेकर हिंदुस्तान से बाहर चला जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी मां के सिंदूर को बदनाम कर रहे हैं? हाँ सीता, गरीब तो तुमने बहुत देख ली है, अब तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। अभी आखिरी जिंदगी कम से कम आराम से तो गुजार लें। अपने आराम की खातिर अपने फर्ज को भूल रहे हैं आप। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? सच्चाई के रास्ते पर चलकर क्या पाया मैंने? तबाही, बर्बादी। फर्ज की राह पर चलकर मैंने तुम सबको खो दिया। इस माँ की ओर देखो जो 20 साल तक अपने बेटों के लिए तरसती रही। इस बाप के दिल से पूछो जो तुम लोगों की जुदाई में चलती फिरती लाश बन गया। अरे भाई, फॉर गॉड सेक, ये सब बहस बाद में होती रहेगी। देखो कुमार, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम पुलिस को यहां से रोक लो। अच्छी बात है, तुम ही रोक दो। बेवकूफ, ये वायरलेस ट्रांसमीटर नहीं है, ये ट्रांसडिस्टर रेडियो है। तुम क्या समझे अपने देश से गद्दारी करूंगा मैं? ले चलो इसे। ठहरो। अंदर वो बदमाश हमारे माइकल का साइकिल बना रहे होंगे।
और मैं यहाँ मोटर कार में बैठा रहा हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता साहब, मैं तो लड़ने जा रहा हूँ। सीबीआई चीफ साहब, अब इसकी जरूरत आपको नहीं। मिस्टर कुमार, मेरे पास दो शेर हैं। यूं तो बहुत गोश्त खाया है उन्होंने, मगर किसी सीबीआई ऑफिसर का गोश्त कभी नहीं खाया। गुरु हो जा शुरू। Thank you.
भाभी उठो 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 भाभी। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। 20 साल पहले तुम्हें खत्म करने के लिए मैंने बम बिछाया था, लेकिन तुम बच गए। लेकिन अब तुम्हारे खानदान को ऊपर पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट रह गए। 3 मिनट के बाद टाइम बम फूटेगा और फिर कहानी खत्म। मैं हिंदुस्तान छोड़कर बाहर जा रहा हूँ। मेरा आखिरी सलाम लो कुमार। कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। देखो तुम घर का खास आदमी, तुम्हें मालूम है बाहर जाने का रास्ता कहां है, बताओ मुझे। नहीं, तुमने कह रखा है इसका मतलब तुम मुसलमान है, तुझे इसकी कसम, बता रास्ता कहां है। नहीं। अल्लाह, तूने कसम डाल के मुझे मजबूर कर दिया। यहां से बाहर जाने का एक ही रास्ता है वो, मगर उसकी 3 चाबियां हैं और घर का 3 चाबियां ले गया। तुम लोग के दरवाजा नहीं खोल सकते, नहीं। तिजोरी और तू एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हालत में क्या करना चाहिए, ये सब मैंने तुझे सिखा पढ़ा कर प्रोफेसर बना दिया। बेटा अब तेरी बारी है हुनर दिखाने की। सूरज इस तार से कोशिश करो। एक मिनट हो गया सूरज। सेकंड रह गए सूरज, किस सेकंड रह गए। जल्दी करो सूरज।
तुम कहां चले? अरे और डेकोस्टा, तुम साहब नीचा करके कहां चले? कुमार साहब, आपको अपने दोनों बेटे मिल गए, आप उनकी देखभाल कीजिए, मैं चल के अपनी मूर्तियों की देखभाल करता हूं। भाई साहब, नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान है, आप ही ने मेरे सोहन को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है भाई साहब। ये लो, बना लिया ना भाई, अब तो तुम बन गए ना साले। बोल रहे साले, ठीक है लाले।